नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांतनु गुप्ता जी, जो अभी अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होके 5 दिन अयोध्या में बिता के और आज हमारे साथ हैं अपने अनुभव साझा करने के लिए। और अपने अनुभवों के साथ साथ और भी जो बातें हैं इस समय उत्तर प्रदेश में कि किस प्रकार से इस प्राण प्रतिष्ठा का क्या इम्पैक्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इनके एक नई पुस्तक भी लिखी है, रामायण ऑन फैमिली एंड लाइफ। तो इन सब बातों के चर्चा करने के लिए शांतनु गुप्ता जी, आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं जयपुर डायलॉग्स पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद संजय जी। मैं 3-4 महीने ऑक्सफोर्ड पे एक फेलोशिप के लिए था, तो बाहर था काफी समय से। अभी मैं 1 महीने पहले आया हूँ और मुझे 5 दिन अयोध्या में रहने का मौका मिला। उसी में जर्नी को उन दिन 5 दिनों सोशली, पॉलिटिकली, समाज में, आध्यात्मिकली क्या हुआ, जो मैंने परसीव करा उन 5 दिन वहां रह के। मैं 19 से 23 तक वहां से था और उसके बीच 22 तारीख भी थी, 22 जनवरी, तो वो मैं आपको साझा करना चाहूंगा आपके दर्शकों से। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, वो दिख पा रही हैं क्या आपके दर्शकों को? दिख पा रही होंगी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो हाँ, ये मंदिर में जिस दिन मैंने दर्शन करा उस दिन की तस्वीर है। मैंने इसको कुछ 8-9 भागों में बांटा है इस बात को। मैं अगले 20-25 मिनट इस पर पहले बात करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो यात्रा दिल्ली से शुरू हुई और पहली बार मैंने देखा, ये मैं प्रेरित हुआ इसका बोर्डिंग कार्ड का फोटो लेने के, लोगों को देखे, हर व्यक्ति बोर्डिंग कार्ड के साथ सेल्फी ले रहा था। और AYJ जो अयोध्या का पहली बार कोड निकला है, मैं इंडिगो से गया था 19 की फ्लाइट के, सो ये जो एफोरिया था वो फ्लाइट से शुरू हो गया था। और उसके बाद देखना स्क्रीन पे अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में बोर्डिंग आरंभ हो रही है, तो वो ही एक रोमांच की स्थिति थी जो मुझे नहीं लग रहा था मुझे होगी, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट में गया तो मैं भी सबको देख के उसी रंग में हो गया। एंड दैट वाज आई थिंक इनिशिएशन हो चुका था कि मैं उस यात्रा में जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन वहीं से बनी। ये पहली फ्लाइट थी या बाद में? ये मेरी पहली फ्लाइट नहीं, मेरे लिए पहली थी। इस समय तो 19 तारीख पहली फ्लाइट, तो प्रधानमंत्री जब 31 दिसंबर को कर रहे थे तो हो गई थी। अभी भी फिर हर हफ्ते अलग अलग शहरों से शुरू होती है, अब तो बहुत शहरों से शुरू हो चुकी है फ्लाइट। सो हाँ, जयपुर से भी शुरू हो रही है 1 फरवरी से। जयपुर से शुरू हो चुकी है मैंने सुना। हाँ, 1 फरवरी का टाइम दिया हुआ है। अरे 1 फरवरी का दिया, तो ये इस तरह से लोग सब फोटो खींच रहे थे कि हम अयोध्या जा रहे हैं। तो एक जो पूरा जो वहां पे सैलाब जा रहा था उसमें एक अलग तरह की मनोस्थिति थी, जो एक धार्मिक जगह जा रहे हैं, एक टूरिस्ट की जगह जा रहे हैं, उससे बहुत कहीं ज्यादा थी। तो ये हम फ्लाइट में बैठे, ये सुरेश चवानके जी का ट्वीट है जो बहुत चला, मैं भी इसमें हूँ। देखिए, मैं माउस अपना घुमा रहा हूँ पीछे, या लोग जी BHP के आप देख पा रहे होंगे, फिर सुशांत बैठा है, वो बहुत सारे लोग बैठे थे। और अगर मैं इस वीडियो को चला पाऊं, देखिए चलता है, तो ये हर फ्लाइट में हो ही रहा है, इनवेरेबली हर फ्लाइट में राम भजन चल रहे हैं। तो ये जो ओवरटन विंडो चेंज हुई ना, कि हम फ्लाइट में जाएंगे, वहां एयरोस्टेस आपको जय श्री राम कह रही है, हम उसको जय श्री राम कह रहे हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है। मेरा जय श्री राम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, मेरा जय श्री राम के लिए, मेरा जय श्री राम राम जी को मेरी श्रद्धा है, मेरी अपनी मजबूत करने के लिए। लेकिन ऐसा बना दिया गया कि जय श्री राम तो वॉर क्राई है। नहीं, वो तो एक पुराना इकोसिस्टम है, वो तो ट्रिगर होना ही था। लेकिन इस तरह से स्वतः ही सब कुछ, मतलब जो ऑफिशियल लोग हैं, जो एयरपोर्ट पे हैं, चेक इन जो कर रहा है CISF वाला, उससे भी जय श्री राम कह रहे हैं, वो भी जय श्री राम क्राई कर रहा है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। राम राम, जय सिया राम, इस तरह के तो उद्बोधन हमारे अलग अलग क्षेत्रों में चलते ही है पहले से, लेकिन जिस तरह से इकोसिस्टम ने उसको बनाने की कोशिश करी, जो नेचुरलाइज हो रहा था बड़ा अच्छा, इसे देख के मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। ठीक है, फिर प्लेन में सब छोटी जर्नी है दिल्ली से, तो 1-1.5 घंटा शायद लगा, बिल्कुल समय से थी फ्लाइट। और जैसे ही उतरे तो फिर एक अलग माहौल, मतलब आप मानेंगे नहीं, पहले एयरपोर्ट से कोई निकलने को तैयार नहीं है, हर आदमी एयरपोर्ट के ही चरण छू रहा है, मतलब एयरपोर्ट की जमीन को छू रहा है। वहां पे फोटो खिंचाना तो अलग बात है कि वहां बहुत सुंदर, कहीं मधुबनी आर्ट है, कहीं अलग तरह के वाटर कलर म्यूरल्स है, बहुत सुंदर, छोटा एयरपोर्ट है, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। और लोग, कुछ संत लोग भी थे, उनके पैर छू रहे हैं, लोग फोटो खिंचा रहे हैं उस जमीन के, एयरपोर्ट की धरती के, मतलब अंदर का जो सीमेंटेड है उसके ही पैर छू रहे हैं। वो अद्भुत था मेरे जीवन के लिए। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत सुंदर नाम रखा है, जिन्होंने रामायण लिखी उन्हीं के नाम पे है। तो ये तो हुआ द जर्नी का, ये मेरा पहला पार्ट, मैं इसको कहूंगा द जर्नी टू अयोध्या। उसके बाद मैं आपको सड़कों पर लेके जाता हूँ अयोध्या की। ये अयोध्या की सड़क है। मैं देखिए, अयोध्या जाना शुरू हुआ मेरा 2017 से। आपको मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले कॉर्पोरेट में था, तो मेरे जिस तरह के दोस्त हैं उनको ये भी नहीं पता है संजय जी ढंग से कि अयोध्या है कहाँ। उत्तर प्रदेश में इतना पता है, लेकिन कहाँ पे है, क्योंकि आपको ये सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, कोई अयोध्या गया ही नहीं है कभी, क्योंकि अयोध्या तो डिस्प्यूटेड टाउन है, उसमें तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी मतलब था नहीं, लेकिन मानसिकता थी।
और मैं पहली बार अयोध्या कब गया, जब मैं योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी लिख रहा था 2017 में, तो मुझे गोरखपुर जाना पड़ता था संजय जी, और गोरखपुर करीब 4-4.5 आर की जर्नी है लखनऊ से, और उस समय गोरखपुर का एयरपोर्ट भी डेवलप नहीं था। अब तो गोरखपुर भी सीधे आप दिल्ली से जा सकते हैं, अब तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छोटे शहरों में आप सुबह जाके शाम को आ सकते हैं क्योंकि सब जगह फ्लाइटें चलती हैं। तो मुझे जब बीच में बिल्कुल लखनऊ से गोरखपुर के बीच में अयोध्या आता है, तो जब जा रहे थे पहली बार 2017 में मैं गोरखपुर की तरफ, तो मेरे ड्राइवर ने ऐसे जैसे करा कि अयोध्या जी को प्रणाम। मैंने कहा अच्छा अयोध्या जी है यहाँ पे, तो मैं पहली बार, मैंने कहा अंदर से ले लो फिर, बाहर से नहीं। तो मैं पहली बार गया वहां पे, मेरी आ चुकी थी। तो ये सड़क जो आपको देख रही है, ये इसी इसी सड़क पे आगे जाके राम मंदिर का गेट भी है, इसी मंदिर पे हनुमानगढ़ी का गेट है, जो दो बड़े मंदिर हैं, और भी वहीं से फिर कनक भवन, दशरथ महल सब है। मैं तो गया हूँ, मेरा बचपन भी यहाँ गुजरा है एक वर्ष यहाँ पर। आपको पता है कितनी संकरी छोटी सी सड़क थी, और पिछले 1.5-2 साल से, जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ किसी निर्माण से पहले विध्वंस होता है, तो बहुत सारा विध्वंस भी हुआ था यहाँ पे, मतलब दुकानें तोड़ी गई थी, जो चौड़ीकरण जिसको हम बोलते हैं। अब जो आपने योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू में सुना होगा कि अब शहर के अंदर 4 लेन की सड़क है, वो यही 4 लेन की सड़क है। देखिये 2 लेन तो आपको इधर दिख रही है, 2 लेन इधर है, और ये सड़क तो अब थोड़े समय के लिए ट्रैफिक के लिए बंद थी, केवल बाइक चल रही थी। इतनी सुंदर हो गई है, अगर आप इनको देखें दुकानों को, ये सब एक तरह से बन गई, इनका एक तरह का बोर्ड है, एक तरह के कलर से समय, इतनी सौम्य सुंदर है ये सड़क इस समय। छोटा सा पॉलिटिकल पॉइंट भी कहूंगा, अगर ये पोस्टर दिख पा रहा है जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पोस्टर में ये है एकनाथ शिंदे। ये बड़े मजे की बात थी, पूरे अयोध्या में या तो नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के पोस्टर थे, जो स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी थे उस सेरेमनी को कर रहे थे, और योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर किसी बाहर के व्यक्ति का वहां पे कोई बड़ा पोस्टर था, साधु संतों के पोस्टरों को छोड़ के, तो वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति का था, वो एकनाथ शिंदे का जी का था। उन्होंने ऐसा लिखा था कि मतलब बाला साहब ठाकरे की जो एक मनसा थी वो पूरी हो रही है। उद्धव ठाकरे का मुझे कहीं भी पोस्टर नहीं दिखा, जो मुझे लगा कि भाई उनको शायद माता जी ने मना कर दिया है, सोनिया माता ने, कि नहीं 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 पोस्टर नहीं लगाना राम जी का। तो ये मुझे एकनाथ शिंदे जी के बहुत सारे पोस्टर दिखे, लेकिन मैं यहाँ पोस्टर पर नहीं जाऊंगा, राजनीतिक बात में अंत की तरफ आएंगे। जो अयोध्या सुंदर थी इस तरह से, अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगा स्ट्रीट्स ऑफ अयोध्या में। ये देखिए, ये हाईवे है, इसके एक तरफ गोरखपुर, एक तरफ लखनऊ है। इस तरह में हाईवे बहुत सुंदर, ऐसे सूर्य, जो सूर्यवंशी राम को दर्शाते हुए बहुत समय बहुत आगे तक खंभे हैं। ये एक नया चौराहा बन गया पिछले 1.5-2 साल से, इसको लता मंगेशकर चौराहा कहते हैं, बहुत सुंदर है। और ये हाईवे है, लोग इतने सारे ऐसे इकट्ठे थे क्योंकि ट्रैफिक मेजर ट्रैफिक बंद था, केवल कुछ पुलिस की गाड़ियां मूव कर रही थी। बहुत सारी तस्वीरों में, सेल्फीज में आपको ये, क्योंकि लता जी ने राम जी के बहुत सारे गाने गाए हैं, भजन गाए हैं, तो उनकी याद में पिछले 2-2.5 साल से है, बहुत सुंदर। तो ये एक स्ट्रेच है काफी बड़ा जो हाईवे पर है। उसके बाद मेरे साथ रतन शारदा जी थे, दुकानों पे हनुमान जी के झंडे, एंग्री हनुमान जिसको करणाचार्य ने बनाया है, वो झंडे, आई लव अयोध्या, ये वो स्ट्रीट को मैंने दिखाया है किस तरह से दिखती है वो। और यही सड़कें 17 से पहले, मतलब अयोध्या चाहे उसके जाने वाले हाईवे हो, अंदर की सड़कें, एक छोटा सा टाउन था। आपके दर्शकों को पता होगा कि अयोध्या एक छोटा टाउन था और फैजाबाद जिले में आता था, अब टाउन को हम अयोध्या धाम बोलने लगे हैं, और जो जिला है उसका नाम भी अयोध्या हो गया। तो आपको अयोध्या की सड़कों पे कोई हनुमान बन के घूम रहा है, बहुत सारे साधु संत हैं, इस तरह की मॉडर्न चीजें भी थी। अगर राइट में देखें तो ऐसे कई जगह जो जो ट्रस्ट के लोग हैं, न्यास के लोग हैं, वो पोस्टेड लेके खड़े थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, तो बहुत सुंदर एंगेजमेंट भी था पब्लिक के साथ, मॉडर्न तरह से भी और हमारे जो प्राचीन तरह है उसके द्वारा भी। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे। ये एक बड़ी सुंदर विधा है जो रात में, जब मैं रात में कई बार गलियों में घूमा अयोध्या की, तो जितने भी शटर हैं, ये दुकानों के शटर हैं, जैसे आपने सुना है कुछ शहरों को, जयपुर को, उदयपुर को, एक रंग में सरकार कहती है कि एक प्रणाली दे देती है कि इस तरह से आप करेंगे, कुछ सरकार पहली बार करके देती है, तो ऐसा ब्राउन शटर लगा के उसमें कोई बड़ा हिंदू प्रतीक है, जब रात में आप चलेंगे तो पूरे किलोमीटर में आपको बंद दुकानें इतनी सुंदर दिखाई देंगी। तो ये हुए अयोध्या की सड़कें। जो हाईवे है उसमें बहुत बड़े, ये कम से कम होंगे 30x15 के बड़े म्यूरल्स हैं, और ये प्रोट्रूडेड बाहर निकले हुए उभरे हुए म्यूरल्स हैं, और ये पूरी रामायण की कहानी दिखाते हैं, और इसपे लगातार सेल्फी ली जा रही है, जैसे हम बार बार चल रहे हैं कि ईवीएम ऐसे हैक हो रहा है वहां पे ना, मतलब ये हाईवे पे, ये हाईवे पे, मेन हाईवे जो बिल्कुल रामधाम, जो रामपद से पहले जो प्रिसीडिंग हाईवे है, राम की पैड़ी से पीछे थोड़ा, जहां समझ लीजिए पंचशील होटल जो इंपॉर्टेंट होटल है, वहां से लेकर हाईवे तक ये थोड़ी थोड़ी दूर पे, 50-50 मीटर पे एक एक म्यूरल है। बीच बीच में इस समय क्योंकि फेस्टिवल मॉल था, तो सैंड आर्टिस्ट आए हुए थे अलग अलग तरह के, तो बहुत सुंदर सुंदर सैंड आर्ट हो रखी थी। एक ये बहुत जितना चलाऊंगा एक एक दिन में 8-8, 10-10 किलोमीटर, हर 100-200 मीटर में ऐसा एक लोकमंच बना रखा था सरकार की तरफ से, टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से,
और वहां पे कम से कम 15-20 अलग अलग स्टेट के लोग आए थे, कहीं पंजाब से, कहीं साउथ ईस्ट, अपने ईस्टर्न भारत से, कभी साउथ से। और आनंद की बात यह है, और इन लोगों को मजा आएगा जो कहते हैं कि राम उत्तर भारतीय है, सबके अपने अपने राम के भजन है संजय जी, अपनी अपनी भाषाओं में राम के भजन, और अभी नहीं बने वो, 1 साल में 6 महीने में उनके प्राचीन भजन चले आ रहे हैं। मतलब वो तमिल में है, वो तेलुगु में है, वो मणिपुर की अपनी अपनी भाषाओं में है, नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं में है, हिंदी में है, भोजपुरी में है, और उनके अपने पुराने नृत्य हैं, नृत्य शैलियां है, केवल राम भजन के अराउंड। तो ये भी दिखाने का, ये भी बहुत अच्छा लगा था मुझे, मुझे भी सीखने का मौका मिला कि अलग अलग लोग किस तरह से राम की स्तुति कर रहे हैं, राम में खुश होते हैं। और मुझे ये भी याद आया, क्योंकि मेरा पिछले 5-6 साल से रामायण का अध्ययन है, हम जब रामायण में दो चीजें पढ़ते हैं अयोध्या के बारे में, एक तो अयोध्या कैसी नगरी थी, सुंदर नगरी थी, वहां कोई बीमार नहीं पड़ता था, वहां बहुत धन्य धन्य था, वहां कहीं भूखा नहीं सोता था, नदियों को दूध से, सड़कों को दूध से धुलाया जाता था। और फिर दूसरी, जब राम वापस आए तो जो खुशी का माहौल था वो कैसे, तो हम तो भाई दिवाली जब मनाते थे तो उसका थोड़ा प्रतीक देख पाते थे, लेकिन मुझे पहली बार वो फील हुआ जो मैं रामायण में पढ़ता था कि लोग कैसे खुश होते होंगे। और ये जो सड़कें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां पे ये म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, वहां पब्लिक स्पीकर सिस्टम लगे हैं और लगातार सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले एक प्लेलिस्ट ट्वीट करी थी जिसमें करीब 60-62 भजन थे, सुने उस तरह के सारे गाने। हाँ जी, वो सारे गाने सड़कों पर हाईवे पे चल रहे हैं क्योंकि काफी समय तक, और क्या होता है जब भजन चल रहे होते हैं, इतने साल चल रहे होते हैं, तो आपको 8-10 किलोमीटर चलना, 5 किलोमीटर चलना, उसका एहसास भी नहीं होता। सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, कोई मिल रहा है, कोई खाना खिला रहा है, तो वो एक ऐसा माहौल था। फिर मैं अभी स्ट्रीट्स में, और एक आपको अगर ये मेरा वीडियो प्ले हो पाया तो मैं इसको प्ले, चलिए मैं इसको बाद में प्ले करूंगा। फिर अगर रात की तरफ घूमे तो जितने भी और जो प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का किला माना जाता है, ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी भी इंतजार में है और अपना घर सुंदर सा बना के बैठे हैं रामलला के लिए। और दशरथ महल है, कनक भवन है, जानकी माता का जो मंदिर है, जो एक ट्रस्ट है, वो बहुत सुंदर सब सजे थे रात। अब सुविधाओं पे आ जाए, जो तीसरा भाग है मेरा, सुविधाओं पे बिल्कुल ऐसा 200-300 मीटर पे सुलभ शौचालय, बहुत अच्छा, सबके कर्मचारी बैठे हैं, बहुत ये सरकार की तरफ से था, बहुत अच्छी, और ये इंस्टॉलेशन पक्के इंस्टॉलेशन थे, ऐसा नहीं कि केवल ये इवेंट के लिए थे, सरकार की तरफ से सफाई की व्यवस्था थी, बहुत सारे वॉलंटियर्स अलग अलग संस्थाओं के घूम रहे थे। ये लाइन है जो अगले दिन लगी थी, 23 का फोटो है, बहुत लंबी एक लाइन लगी थी, मैं देखने गया था, मैंने दोबारा दर्शन करे एक बार यहाँ पे। और इसमें कोई व्यक्ति कचरा, मतलब लोगों ने एक तरह से ओनस ले लिया था उस दिन, इसको मैं बंद करता हूँ, लोगों ने उस दिन करीब ऐसा एक ओनस जैसा ले लिया था संजय जी, कि ये तो मेरा कार्यक्रम है, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, वैसा एक माहौल था उस दिन वहां पे। पुलिस, पुलिस की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी पुलिस की, आरएफ थी, पुलिस थी, जो एटीएस थी, अलग अलग तैनात थे, लेकिन सब बिल्कुल सबसे भैया, दीदी, बहन जी, भैया, कोई किसी गठरी में मदद कर रहा है, जाने में मदद कर रहा है, रास्ते में मदद कर रहा है, बता रहा है लंगर कहाँ चल रहा है, जगह है कहाँ पे, कैसे जाना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नया फेज भी देखने को मिला, जो हमें काफी समय से परिवर्तित दिख भी रही है। और नुपुर शर्मा का ये फेमस ट्वीट मैं इसलिए मैंने कोट करा, जो ऑफ इंडिया वाली नुपुर शर्मा है, पुलिस स्पेशली उन्होंने कहा, तो मैंने कहा इसको कोट करूं, और मुझे सामने से दिख ही रहा था कि ऐसा हो रहा है वहां पर। जैसे अयोध्या में कहते हैं कि अयोध्या में कोई भूखा नहीं सोता था, हर 100-200 मीटर में संजय जी कोई ना कोई मतलब कुजीन खा सकते हैं, कहीं साउथ इंडियन, कहीं मिठाई मिल रही है, कहीं कढ़ी चावल मिल रहे हैं, कहीं छोले चावल मिल रहे हैं, कहीं रोटी सब्जी मिल रही है, वो अलग अलग। और ये सरकार की तरफ से भी नहीं था, ये किसी मठ की तरफ से, कोई महाराष्ट्र से आके लगा रहा है, कोई चिक्कियां बांट रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, और सबने कमिटमेंट दे रखे हैं, मैं 4 महीने तक करूंगा, मैं 6 महीने तक करूंगा, मैं साल भर तक करूंगा। आपको पता है ट्रस्ट के बाद इतना सारा, जो श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट, उतना सारा अनाज आ गया कि उसके लिए वो अलग स्टोरेज कर रहे हैं अपना। तो ये भी बहुत सुंदर देखने को मिला, मैंने भी ऐसा दिन में 3-3 बार खाना इन्हीं जगहों पे खाया जब मैं घूम रहा था। अच्छा, बहुत आनंद आया, और बहुत हाई क्वालिटी खाना था, बहुत हाई क्वालिटी खाना था, बहुत सुंदर स्वादिष्ट खाना था। अब आते हैं घाट सब सरयू पे। देखिए, अगर आप अयोध्या गए हो तो आपको याद है घाट गंदे रहते थे, राम की पैड़ी गंदी रहती थी, छोटी संकृति, पानी रहता था नहीं रहता था, सारे जितने चैनल्स के सेटअप थे, मैंडी टीवी में था उस दिन, सारे चैनल घाट पे लगे थे। हम ये बिल्कुल, ये पीछे घाट है, देखिए राम की पैड़ी वाला घाट है, और ये पीछे जहाँ पे वो दीपोत्सव का कार्यक्रम भी होता है, आजकल तो वही वीआईपी घाट हो गया, सभी लोग उधर ही जाते हैं, वही वीआईपी घाट हो गया। और बल्कि मैंने एनडीटीवी बोला भी, एनडीटीवी के जो कार्यक्रम का जो टाइटल था वो था अयोध्या एक नया, अयोध्या एक नया अध्याय, तो मैंने कहा एनडीटीवी एक नया अध्याय, वो भी है एनडीटीवी वहां की कवरेज कर रहा है, ये भी राम जी की कृपा है, एनडीटीवी भी, एनडीटीवी भी राम जी का आशीर्वाद लेने पैरी पे पहुंचा है, ये अच्छी बात है। देखिए राजदीप और पहुंच जाता था, पर ठीक था, राजदीप और रविश को भी पहुंचना चाहिए था। देखिए आप इस समय मेरे ख्याल से विवाद भूल के जो प्रधानमंत्री, लेकिन वो ठीक है, भूत पिशाच निकट नहीं आवा है, महावीर जब नाम सुना
बिल्कुल, ये देखिए इराम की पैरी दिन में, ये जो दिख रहा है, ये जो एक सेटअप, दो सेटअप, ये TV9 दिख रहा है, सारे चैनल के सेटअप लंबे स्ट्रेच पे सारे, कम से कम मेरे ख्याल से 15-1 चैनल थे, यूट्यूबर थे, आस्था जैसे चैनल थे, ये लोग स्नान भी कर रहे थे सुबह सुबह, देखिए इधर कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे, ये जहां से वो सरयू की तरफ से इस चैनल में पानी आता है, सबके चित्र है। ये देखिए घाट पे इस तरह के चित्र भी थे, जैसे तीनों बच्चे हैं पासी से आए थे, हार्डली उनकी उम्र 20-25 साल होगी, ये जो पीछे हनुमान जी हैं ये पेंसिल के चित्र हैं और करीब 650 पीसेस से बनाए हैं, छोटे छोटे स्क्वायर से बनाए हैं, इस तरह की बहुत सारी कलाकृतियां, कोई रंगोली से कर रहा है, मतलब जो लोगों का कमिटमेंट था ना वो देखते ही बनता था कि जो लोगों की श्रद्धा थी वो उमड़ के जैसे आ रही थी, अपने मन से लोग परिश्रम कर रहे थे और लोग मान रहे थे कि यही दिवाली है। देखिए जो हम दिवाली मनाते हैं संजय जी, हमने कभी पब्लिक दिवाली नहीं मनाई, दिवाली एक तरह से एक थोड़ा प्राइवेट इवेंट होता है, अपने घर में पूजा करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये एक तरह से पब्लिक दिवाली थी, जब पब्लिक वेलकम राम जी का हुआ होगा जब वो आए होंगे 14 बरस के वनवास के बाद, और इस बार जब आए 500 वर्ष के वनवास के बाद, उस तरह का जो पब्लिक वेलकम मुझे सड़कों पर दिख रहा था वो बिल्कुल दिल को गदगद कर दे रहा था। अब देखिए मैं कुछ डिवोटीज के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे ये देखिए ये थे इनके इनके पिताजी भी बगल में थे, उनकी उम्र करीब 60 साल थी, ये रुद्रपुर से आए थे, उत्तराखंड में एक जगह है रुद्रपुर, बिलासपुर रुद्रपुर सरदारों का इलाका है, वहां पे लोगों को नहीं पता है उत्तराखंड में भी सरदारों का इलाका है, क्योंकि मेरी पन्नगर से पढ़ाई हुई है तो मुझे पता था, और मेरी इनसे चर्चा हुई आपका उधम सिंह नगर, और हाँ जी बिल्कुल उधम सिंह नगर जिला है, बहुत सही होता है काशीपुर एरिया वो पूरा। ये जवान सिंह जी थे मेरे सरदार जी, ये रहे होंगे 30-31 साल के, मैंने उनसे पूछा आपको पता है कि जो हमारा मंदिर का केस है उसमें जो सिख डॉक्यूमेंट्स है उनका बड़ा योगदान है, उन्होंने उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैंने बताया कि जो 1510 में गुरु नानक जी ने जो दर्शन किए और मंदिर का रजिस्ट्रेशन किया, मतलब टूटने से पहले वो कोर्ट में गया, उसके बाद जब निहंग सिख आए उन्होंने करीब 2 महीने कब्जा रखा, चारकोल से पूरी दीवारों पे राम राम लिख दिया, उस समय मस्जिद थी करीब 1850 के आसपास, 1858 की बात है बिल्कुल सही, और उस समय जो कंप्लेंट हुई मुस्लिम साइड से और उन्होंने लिखा कि मस्जिद जनस्थान, तो पहली बार रिकॉर्ड हुआ, तो वो भी दस्तावेज कोर्ट में आया, तो ये करीब 500 किलोमीटर चला के आ रहे थे, ये महिला और उनका परिवार, ये स्केट अगर हम नीचे देख रहे हैं ये साउथ से चलती हुई आ रही है, कई हजार किलोमीटर में 5,500 किलोमीटर ये चलती हुई आ रही है, ये देखिए ये कासगंज से व्यक्ति 500 किलोमीटर करीब 450 किलोमीटर चलते आ रहा है। जब मैंने इनको देखा ना ये भक्ति, और अगर जिसको भी कोर्ट केस पता है, हम बेसिकली ये कोर्ट केस क्यों जीते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूटी ऑफ प्रेयर दिखा पाए, एक तरह से कंटिन्यूटी ऑफ पोजिशन दिखा पाए, और वो भक्तों के वजह से हुआ। एक कोर्ट में डॉक्यूमेंट है कि डीएम एसपी को बोल रहा है कि कल रामनवमी है, लाखों लोग आने वाले हैं, बंदोबस्त करो, और वो काम में आया हमारे यहाँ केस में कि देखिए हिंदू तो हर रामनवमी में आ रहे हैं, हर सीता विवाह में आ रहे हैं, हर राम के कार्यक्रम में आ रहे हैं, ऐसा कोई ईद में कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, तो वो हमारी कंटिन्यूटी ऑफ प्रेयर दिखा पाया, दूसरे पक्ष कोई कंटिन्यूटी ऑफ प्रेयर और उसका पोजीशन नहीं दिखा पाया। तो जो भक्त है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, केस के लिए भी और अभी भी, इन्हीं के लिए अयोध्या है। हम लोग तो, मैं आज भी कहूंगा, हम लोग तो टूरिस्ट है, हम तो फ्लाइट से जाएंगे, अच्छा होटल ढूंढेंगे, गाड़ी ढूंढेंगे, कई बार सोचेंगे वीआईपी दर्शन कर लें, ऐसे चले जाएं, वैसे चले जाएं, बात कर लें किसी से, लेकिन जो अयोध्या आज जो हमें मिली भी है वो इन्हीं भक्तों की वजह से मिली है, जो मेहनत से आए हैं, और यहाँ पे मुझे लगा मतलब वो कितना अभागा होगा संजय जी जिसके हाथ में होगा इनविटेशन उस कार्यक्रम का, और ऐसे लोग आपको पता है मैं किनकी चर्चा कर रहा हूँ, जिसके हाथ में इनविटेशन होगा, जेब में पैसा होगा, अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, अयोध्या में अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही होंगी, लखनऊ में एयरपोर्ट होगा, गोरखपुर में एयरपोर्ट होगा, सरकार ने जितने भी बड़े अतिथि थे उनके लिए प्रोटोकॉल लगाया था, उनके साथ एक अधिकारी भी लगाया था, बड़ी मेहनत करी थी होगी सरकार ने अपना आतिथ्य मतलब होस्ट की तरह, और उसके बाद भी नहीं आया वो राम के बुलावे पे, उससे बड़ा अभागा व्यक्ति नहीं हो सकता, उसका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन वो खुद कितना अभागा और फूटे भाग का होगा, और इन भक्तों को देख के मुझे समझ में आता है कि वो कितना अभागा होगा जो इनविटेशन के बाद नहीं आया। अब देखिए और दिखाता हूँ, ऐसे संत बहुत सारी पैदल टोलियां थी जो बहुत दूर दूर से अपने अपने मठों से पैदल टोलियां थी, ये श्री राम भद्राचार्य जी का जो पंडाल लगा था, उनका 75वां जन्मदिन भी था, और क्या कहते हैं एक मिनट, हाँ ये 1008 हवन कुंड थे, 1008 हवन कुंडों में 1008 पुरोहित थे जो संस्कृत के पारंगत पंडित थे, और उनके साथ 4 या 5 जजमान थे, मतलब करीब 5,500 लोग अनवरत कई दिनों तक लगातार हवन करते रहे, अलग अलग विधाओं से, कोई कोई अलग अलग वेदों की, कोई अलग अलग ऋचाओं की, कोई अलग अलग पाठों की, ऐसी प्रेयर चलती रही जिससे जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा है वो अच्छे से हो, मतलब लोगों का जो अपना कमिटमेंट था कि मेरा कार्यक्रम है, ये सरकार ने नहीं करवाया, ये न्यास ने भी नहीं करवाया, कोई एक एक मठ मंदिर आके, अलग अलग जजमान आके, और इसमें अनवरत ही चलता रहा, मतलब मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लोगों की श्रद्धा थी और लोगों ने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना रहा था। जब इसके आसपास आप घूमेंगे ना,
मतलब इसके कई किलोमीटर तक केवल जो हवन की एक एक, एक बड़ी अच्छी सी ध्वनि सुगंध होती है वो पूरे एरिया में आ रही थी। और मुझे बार बार वही बात आ रही थी जो रामायण कहती है कि अयोध्या में जब राम जी आए तो पूरी गलियां महकती थी, वैसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा था। अब मैं आता हूँ कि बहुत राम मंदिर पॉलिटिकल इशू इस टॉपिक पे जो आपने टाइटल डाला भी है। देखिए ये दो पोस्टर आपने देखा होगा बहुत बार, नरेंद्र मोदी जी के साथ लोग सेल्फी खिंचा रहे थे, ऐसे कई जगह बूथ लगे थे, मंदिर के बारे में डिस्क्रिप्शन था, इस तरह के पोस्टर थे योगी जी और मोदी जी के, श्री राम शरणम मम के। इसके आगे पीछे मैंने हजारों लोगों को फोटो खिंचाते देखा है, माताओं को देखा है बूढ़ी बूढ़ी रोते हुए लोग, मतलब वहां पे लोग सड़कों में रो रहे थे खुशी से। मतलब मंदिर अभी खुला भी नहीं, 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख की बात बता रहा हूँ कि लला मोदी जोगी अपने को मंदिर दे दियो, मोदी जोगी मंदिर दे दियो, राम लला को मंदिर दे दियो। मतलब इसके बाद जो लगेगा जो इस पल्स को फील नहीं कर पा रहा है, और उसमें मतलब मुझे हर जगह के उत्तर प्रदेश के लोग दिख रहे हैं। मैं सबसे ये जरूर पूछता था कहाँ से आए, उसकी भाषा से ही पता लग जाता था मोटा मोटा, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, कर्नाटक से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से बड़े बड़े जत्थे आए हुए, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से बड़े बड़े जत्थे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से तो हैं ही लोग, वो तो अपने आप को मान रहे थे हम तो होस्ट हैं। मतलब हर उत्तर प्रदेश वाला अपने आपको होस्ट समझ रहा था, उसने मान लिया था, किसी ने बनाया नहीं था उसको, उसने अपने आपको होस्ट मान लिया था कि मैं ही हूँ, सब आदमी सेवा कर रहा है, एक दूसरे को बता रहा है, कोई किसी की धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, कोई किसी से चिड़ नहीं रहा है, नाराज नहीं हो रहा है, धक्का मुक्की में हर आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा है, बता रहा है टॉयलेट कहाँ है, ये कहाँ है, और लाखों लोग सड़कों पे थे। जबकि सरकार ने थोड़ी बार के बाद बॉर्डर भी सील करे थे कि भाई ज्यादा लोग ना जाए, अव्यवस्था ना हो जाए। आपने देखा भी था, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, सबने अपने अपने ट्विटर पे अपील भी करी थी भाई इस समय ना आए, 23 तारीख से आना, लेकिन लोगों ने ज्यादा नहीं सुनी, लोग आ गए, लोगों ने ये कहते सुना मंदिर दर्शन ना भी हो उस दिन अयोध्या में, यही बहुत बड़ी बात है, लोग उस मंशा से भी अयोध्या आ गए थे। तो हाँ मैं आता हूँ, पॉलिटिकल इशू है, मैं तो इसको बात को ऐसे कहता हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल इशू ना होता तो ये मंदिर नहीं बनता। अगर ये पॉलिटिकल इशू, एक पार्टी अगर वीएचपी इस मुद्दे को उठाती है करीब 1980-1984 के आसपास, फिर 1989 में पालमपुर अधिवेशन में जब बीजेपी उसको अपना मुद्दा बना लेती है, और उसके बाद से अनवरत हर मैनिफेस्टो में उनका साथ ही रहता है, उनकी सरकारें भी चली जाती है 1992 में, उनकी सरकारें चली जाती हैं, उसके बाद भी वो मुद्दा रहता है रहता है रहता है, और चिढ़ाया जाता है उनको बार बार कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो अगर इसके पीछे पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, उसके पीछे पूरी संघ का जो समाज है उसका पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, मतलब इधर देखिए, इधर रविशंकर प्रसाद जो हाईकोर्ट में जब केस चला, हाईकोर्ट के भी अच्छी विवेचना चली, तो वो लॉयर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल दूसरी साइड के लॉयर होते हैं, तो जनता देख रही है भाई कौन किसकी साइड खड़ा है, कौन किसकी साइड खड़ा है। अंत में जब सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो करीब 1.5 लाख दस्तावेज होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी आपको ट्रांसलेट कराना होता है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है हम करेंगे और उसको ट्रांसलेट करा के देते हैं, बिल्कुल हाई क्वालिटी, जिसमें संस्कृत डॉक्यूमेंट है, पर्शियन डॉक्यूमेंट है, अरेबिक डॉक्यूमेंट है, भारत की अलग भाषाओं के डॉक्यूमेंट है, पौराणिक डॉक्यूमेंट है जिनकी कई बार आपको डिसाइफर भी करनी पड़ रही है, शिलालेख है, वो सब करके देती है, जिससे ऐसा ना हो ये बेंच फिर डिसॉल्व हो जाए, फिर रंजन गोगोई जी की मतलब रिटायर हो जाए, फिर से बेंच बने, जैसे पहले ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो जनता को बताएं भाई अगर इसका पॉलिटिकल क्रेडिट भी मिलना है तो किसको मिलना है। और जो दूसरी बात है, देखिए योगी आदित्यनाथ मेरे ख्याल से ना, मुझे ऐसा लगता है ना, ये देवयोगी है मेरे ख्याल से संजय जी, कि योगी आदित्यनाथ के गुरु मतलब महंत अवैधनाथ, जितनी भी कमेटी रही राम मंदिर की वीएचपी की, उसके अध्यक्ष रहे, उनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जो पहली बार मूर्तियां प्रकट हुई 1949 में, तब से जो पूजा पाठ है उन्होंने शुरू करवाई सारे राम नामी संतों के साथ, और आज वो मुख्यमंत्री है। तीन लोग थे उसमें, महंत विरामदास और रामचंद्र परमहंस जी और महंत दिग्विजयनाथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो परंपरा से आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और उधर नरेंद्र मोदी जो उनकी यात्रा चलवा रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी की, तो आज मेरे ख्याल से रामलला भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब मुझे राम राज्य के लक्षण दिखने लगेंगे, जब करोड़ों लोगों के पास टॉयलेट होंगे, घर होगा, डीबीटी होगा, किसान खुशहाल होगा, जब ऐसे लक्षण, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ राम राज आ गया, लेकिन जब उसके लक्षण मुझे मुख्य रूप से प्रखर रूप से दिखने लगेंगे तभी मैं लौट के आऊंगा। तो ये भी बड़ा एक संयोग या इसे आप देवयोग कहें कि इन दोनों के होने से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से एक तरह से अयोध्या को तैयार भी कर रही है। 17 में ही उन्होंने क्या करा, अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या होता है, आपके ऊपर मेयर मिलता है, म्युनिसिपल कमिश्नर मिलता है, ज्यादा फंड्स मिलते हैं, जो अयोध्या की सड़कें हैं वो कैसे चौड़ी हुई, उसके घाट हैं, नया घाट है, राम की पैरी है, सरयू घाट है, उनका कैसे उनकी सफाई हुई, मिट्टी में अटे रहते थे, काई में अटे रहते थे, वो कैसे साफ हुए, अलग अलग ताल कैसे साफ हुए, जो अगर आप मैं आपको स्ट्रीट अगर जब मैंने पहले दिखाई थी उसमें कोई तार नहीं दिख रहा है, एक तार दिख रहा है वो लाउडस्पीकर सिस्टम का जो अभी लगा है, कैसे सारे तार अंदर हुए, सड़कें चौड़ी हुई, सुंदर हुई, साफ हुई, अलग सफाई कर्मी रखे गए। तो ये जो तैयारी हुई अयोध्या की मेरे ख्याल से, उसमें बड़े स्टेशन बने, उसमें नई नई ट्रेनें लगी, एयरपोर्ट बना, अलग जगह से कनेक्टिविटी कराई गई उसकी, प्रयाग और बनारस से अलग कनेक्टिविटी के लिए रिंग रोड बन रही है, ये जो तैयारी थी अयोध्या की,
हम अयोध्या को एक विवादित टाउन से कैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ले आए। 2017 से दीपोत्सव होने लगा वहां पे, पहले 50,000 दिए जले, उसके बाद से लाखों दीपों बढ़ते गए। पिछली दिवाली में जो अभी गई नवंबर में 22.5 लाख दिए जले संजय जी, और करीब 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या बना चुका है, जिस अयोध्या को लोग विवादित विवादित बोल के छोड़ देते थे। तो ये जो अयोध्या का प्रिपरेशन है मेरे ख्याल से इसका श्रेय सबको पता है किसका, आखिरी के दिन जहां पे कुछ पूजा पाठ हो रहा था पैरी पे, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ये जमीन तो मैंने दी है। मतलब आप कौन सुनेगा आपकी बात पे इस समय, आपने कौन सी जमीन कहां दी है पता नहीं। अब आ जाते हैं देखिए मंदिर पे, ये मेरा 7वां भाग है। बहुत खूबसूरत मंदिर है, करीब 60% बन चुका है और बन रहा है। इसमें दर्शन करके मतलब गदगद हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इस मंदिर को देखे, और जो पहले रामलला को टेंट में देख चुका है सालों से, जो मेरे जैसा व्यक्ति, आप भावुक हो ही जाएंगे उसको देख के। मतलब मैंने कई सौ डिबेट करी है, मैं सच बताऊं संजय जी, मन की मैंने बात तो बार मैंने तो रामलला को सीखचों में भी देखा है, टेंट में तो देखा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पांचवी कक्षा में फैजाबाद में पढ़ता था जी जी, पिताजी की यहाँ पोस्टिंग थी, तो हम सीखचों में देखते थे उस समय रामलला। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब भी वो रेलिंग पार करके टेंट में देखते थे, मतलब गुस्सा भी आता था, दुख भी आता था कि राम के शहर में, राम के देश में, हिंदू संस्कृति वाले देश में राम टेंट में, मतलब हम पे कलंक था। मुझे तो राष्ट्रीय कलंक लगता था वो, कि हमारे देश का अभाग है कि हमें उसके लिए केस लड़ना पड़ रहा है और अब वो जाएंगे। लेकिन चलिए तो आप देखेंगे तो उसको मतलब सबका मन भावुक होगा ही होगा। लोग अनजान लोगों को चुप करा रहे थे वहां पे, माताओं को चुप करा रहे थे, बुजुर्ग लोगों को चुप करा रहे थे। इतना सुंदर दृश्य था उस दिन का। मंदिर की छोटी सी डिटेल्स है, मेरे ख्याल से सबको पता रहेंगी तो अच्छा रहेगा। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग देख रही थी। L&T जो बड़ी कंपनी है, लार्सन टिब्रो, उसने कंस्ट्रक्शन देखा है। और श्री चंद्रकांत और आशीष सोमपुरा, एक पुराना परिवार है आर्किटेक्ट्स का, उन्होंने ये जो लेफ्ट में वृद्ध व्यक्ति दिख रहे हैं, ये चंद्रकांत सोमपुरा है और ये है आशीष सोमपुरा। इसकी भी छोटी सी कहानी है कि ये जो मॉडल बना था ये भी इन्होंने बनाया था, इन्हीं के ये कैसे बनाया था, सिंगल साहब अशोक सिंगल जी जब बिरला जी के पास जाया करते थे कभी कुछ डोनेशन लेने, काम के लिए, सहयोग के लिए, तो उन्होंने पूछा भी आप लोग बहुत टेंपल्स बनवाते हैं बिरला टेंपल्स, तो आपका आर्किटेक्ट कौन है? उन्होंने कहा सोमपुरा फैमिली है। बोले हमें भी एक मॉडल बनवा के दीजिए, हम उस मॉडल को रखेंगे तो लोगों में एक अलग तरह का जोश आएगा कि भाई ये राम मंदिर बनने जा रहा है। तो आपको तो पता ही होगा जो VHP की कार्यशाला है उसमें एक बड़ा सा मॉडल बनकर रखा था 2 जगह, तो जिससे लोगों को प्रेरणा भी आती थी, और वैसा का वैसा ही हूबहू मॉडल को नगर शैली में बना के मंदिर बन रहा है। नहीं उसमें ऐड किया गया, मंडप ऐड किया गया, मोटा मोटा आपको जैसा आपने देखा था तो वैसा ही दिखेगा उसमें एडिशन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अलग अलग मंडप ऐड करें, ये अलग अलग उसके पार्ट है। करीब 32 सीढ़ी चढ़ती है, 16 फुट का है, एक बार में 1.5 से 2,000 लोग अंदर आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड था कि 1 से 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन पहले दिन ही 5 लाख लोगों ने दर्शन करा। पहले दिन मतलब 22 के अगले दिन, जो पहला 23 वाला दिन था। ये वीडियो मैं आपको अलग से भेजूंगा। हाँ ठीक है, अब आते हैं राम जी के विग्रह पे। विग्रह सबने देखा है, बहुत सुंदर विग्रह है, अरुण योगीराज ने बनाया है। तो विग्रह को योगीराज जी कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें परिवर्तन हो गया, उनको भी कह रहा है, उनके मैंने वीडियो सुना, उनको लगता है कि अब वो जीवन जो हम कहते भी है, देखिए कि रामलला विराजमान जिन्होंने केस लड़ा, ये केस किसी और, VHP ने नहीं लड़ा, किसी और ने लड़ा, रामलला विराजमान ने खुद लड़ा। वो खुद प्लेंटिव थे विद द नेक्स्ट किन, उनके साथ मतलब जो उनके एक तरह के जो जीवित सहयोगी थे उनके साथ थे, तो उन्होंने खुद केस लड़ा अपने घर के लिए और वो खुद जीत गए। और अब हमने पूरी हिंदू रीतिवाद से उसमें प्राण भी उनके आवाहित कर लिए और वो रामलला की एक तरह से जीवंत मूर्ति है, इसीलिए लीगल एंटिटी माना भी जाता है हमारे कोर्ट्स में। देखिए ऊपर इसमें स्वास्तिक, ओम, गदा, सूर्य भगवान के चिन्ह है ये ऊपर पे। फिर यहाँ पे सबको पता है राम जी 7वें अवतार है विष्णु भगवान के, इधर वामन, नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य, इधर से परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, वाल्मीकि, इधर हनुमान जी, उधर गरुण जी, ये पूरा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पे रखा है, करीब मूर्ति का वजन 200 किलो के आसपास है और ये 51 इंच की मूर्ति है जो करीब 4.5 फिट आती है और इसकी 3 फिट की करीब इसकी चौड़ाई है। बहुत सुंदर विग्रह है। इसके बारे में कुछ और, जैसे अरुण योगीराज जी इसके स्कल्प्टर हैं, मूर्तिकार हैं, मनीष त्रिपाठी जी दिल्ली के हैं जिन्होंने इनके आउटफिट बनाए, मतलब इनके कपड़े बनाए सुंदर सुंदर, और अलग अलग दिन अलग अलग रंगों का, जो दिन जिस दिन शुभ होता है उस दिन अलग अलग इनका अलग अलग, जैसे हम भगवानों को वस्त्र बनाते हैं भगवानों के विग्रह को वैसा है। यतिंद्र मिश्रा जो वहीं के हैं अयोध्या के, उन्होंने इसकी जो ज्वेलरी है उसके आइडियाज दिए हैं, और लखनऊ की एक जो एक ज्वेलर्स है HSJ, उन्होंने ये ज्वेलरी डिजाइन करी जो देखा है आपने, बहुत सुंदर आभूषण है। और जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि और तुलसी रामायण में, रामचरितमानस, उससे उसी से उदाहरण लेके बनाया गया।
एक लोगों को अभी हल्का सा कंफ्यूजन है कि वो जो पुराना विग्रह था जो हम देखते थे टेंट में उसका क्या है, ये वाला टेंट है इसमें ऊपर राम जी हैं और तीनों नीचे भाई हैं, ये राम जी का विग्रह है, और इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो तस्वीर हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा करी और आशीर्वाद लिया, तो ये तो राम जी का नया विग्रह है और ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे ये पुराना वाला विग्रह है। तो हमारे ये उत्सव मूर्ति है या अचल मूर्ति है, या अचल मूर्ति मतलब ये चलेगी नहीं, अचल ये यहाँ पे है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये उत्सव मूर्ति है, इसकी झांकियां निकलेंगी कभी कभी अलग अलग जो भी अलग अलग त्यौहार आते हैं और पूरे शहर में अयोध्या में लोगों के दर्शन के लिए लेके जाया जाएगी, उत्सव मूर्ति जैसे हमने ठीक कहा। जैसे ही हुआ सुबह के सब पेपर लोग कलेक्ट करने लगे, मुझे याद है मेरे होटल में उस दिन पेपर नहीं मिल रहा था, लोग कमरों कमरों से निकाल के पेपर लेके जा रहे थे कि राम रामलला विराजमान का, और मतलब बड़ा रिलिक है कि अयोध्या एडिशन उस दिन लेके जाएंगे सब, मैं भी लेके आया उस दिन बहुत सारे पेपर, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, तो भी नहीं रहे मेरे पास बहुत सारे पेपर है उसके पहले दिन का, उस दिन का, उसके अगले दिन का, इंग्लिश का, हिंदी का, अलग अलग एडिशन का, अमर उजाला का, नवभारत टाइम्स का, ये भी एक सुविधा है और लोग सब ले रहे थे। अब मेरे ख्याल से प्राण प्रतिष्ठा ना बोले जी, आप इसको पूरा कर ले फिर मेरे कुछ प्रश्न है वो पूछूंगा। अच्छा मेरा एक और मुझे 5-7 मिनट और दे दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा के समय मैं, क्योंकि मुझे चैनल करना था, तो उस समय जब भाषण शुरू हुए, स्पीचेस शुरू हुई, तो मैं घाट पे बैठा था उस समय बाहर निकल के, और एनडीटीवी का जो एंटी रूम होता है उसमें बैठा था, और पूरे घाट पे राम की पैड़ी पे इतने सारे स्टेज लगे थे, पूरा सन्नाटा था, केवल जो स्पीच थी वो अलग 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 टीवियों से आवाज आ रही थी, अगर थोड़ा सा सिंक नहीं है तो बस दो दो बार आवाज आ रही थी, सब सन्नाटे से ऐसा लगता था पूरा भारत केवल वो सेरेमनी को देख रहा है। और जैसे ही विग्रह, और मुझे याद है मैं और मेरे साथ अमीश त्रिपाठी बैठे थे जो राम पे लिखते हैं काफी, और हम लोग हेडफोन भी शेयर कर रहे थे कि आवाज अच्छी से, आवाज हमें एक शब्द, कोई भी शब्द किसी की स्पीच का मिस ना कर दे। और जैसे ही रामलला का विग्रह दिखा, मतलब सब लोग जो बैठे थे, जो प्रोडक्शन वाला है, जो कैमरे वाला है, सब एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, किसी के आंसू हैं, मतलब मैंने वो ऐसा दृश्य नहीं देखा पहले जीवन में कभी, कि किस चीज के लिए, शायद वर्ल्ड कप की विक्ट्री में ऐसा थोड़ा बहुत होता हो, जो लोग क्रिकेट के फैन है, इसके फैन है, उसके फैन है, लेकिन ऐसा पूरे देश में बाद में वीडियो देखे। कुछ पंक्तियां जो मुझे मुझे मैंने नोटिस करी सबके भाषणों में, जैसे नरेंद्र मोदी के भाषण में जो कहा देव से देश और राम से राष्ट्र, इस तरह से आप एक प्रधानमंत्री नहीं बोला करता था भारत में कि एक धार्मिक संज्ञा को आप राष्ट्र की संज्ञा दे, नहीं होता था, जो होना चाहिए था भाई, राम की प्रेरणा थाईलैंड लेता है, राम की प्रेरणा जो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, फिलीपींस लेता है जो क्रिश्चियन कंट्री है, इंडोनेशिया लेता है जो इस्लामिक कंट्री, हम क्यों नहीं राम की प्रेरणा लेंगे जो हमारे हमारे यहाँ तो एक बड़ा सेल्फ लोथिंग सा, एक निगेशनिज्म का एक वो हमारे नेहरूवियन जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम था उसने डेवलप कर दिया था, क्योंकि नेहरू जी को स्वयं अपने आप से शर्म आती थी, तो वो शर्म जो है उन्होंने पूरे देश में फैला दी, वो शर्म सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में दिखी भी, कैसे वो खुद नहीं गए, उन्होंने मना लिख कर दिया, कहा ये तो हिंदू रिवाइवलिज्म है, और राष्ट्रपति को भी जाने से रोका, अपने कुछ सांसदों को पत्र लिख के, मतलब उनको इसका भी डर नहीं था कि पत्र बाहर आएगा, पत्र लिख के रोका, इतनी उनको घृणा थी एक मंदिर के उद्घाटन से। और आज एक तरह का मतलब मुझे क्लोजर लग रहा था कि हम जो हमें 1947 से जिस तरह की सभ्यता बनानी चाहिए थी जो हम नहीं बना पाए, आज वो मुझे बनती हुई अपने सामने से दिख रही थी, तो बहुत हर्ष हो रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा राम अग्नि नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, और जो हजार साल की बात करी, प्रधानमंत्री जाने भी जाते हैं कि वो 5 वर्षीय जो पंचवर्षीय योजना थी पहले प्लानिंग कमीशन, उससे वो बाहर वैसे आ चुके हैं, वो कभी बोलते हैं कि वे 1947 का भारत कैसे होगा, 100 साल का भारत कैसे होगा, इस बार तो हमने 1000 साल की बात करी, उसमें कई चीजें छुपी थी, मेरे ख्याल से उसमें पिछले 1000 साल भी थे, कि जो पिछले 1000 साल जो हम गुलामी के हमारे पर गए, और जो अगले 1000 साल कैसे होंगे, और फिर वो मंदिर भी 1000 साल के हिसाब से निर्माण हुआ है, कि चाहे वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, चाहे वो बाढ़ या इस तरह की किसी भी जो नेचुरल क्लैमिटी है, उस तरह से उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन है, IIT रुड़की, IIT कानपुर, CBRI सब उसके कंसल्टेंट रहे हैं। तो वो योगी जी ने कहा मंदिर वहीं बना है, कई बार कंफ्यूजन वीडियो आया, नहीं मंदिर तो गलत जगह बनाया है, यहाँ नहीं बनाया तो ये कंफ्यूजन भी बहुत किया गया था। हाँ कंफ्यूजन किया गया बहुत स्टूपिड, कोई पुराना मंदिर, कोई बिरला राम मंदिर दिखा के देखो वो तो वहां पे है, वहां पे जिससे देखिए जैसे आपने कहा ना भूत पिशाच निकट नहीं आया, वो तो कोशिश करेंगे ना, विश्वामित्र गए थे ना राम जी के दशरथ जी के दरबार में, बहुत सारे सुपर्णखा मारी स्वभाव आके तंग करते हैं, आपको इनको ठीक करना पड़ेगा। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा योगी जी को, और किसी को बात कहनी थी, अच्छा हुआ योगी जी ने कह दी कि अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी किसी को, एक तरह से वो कार श्रमिकों पे, कार श्रमिकों का सम्मान भी था, उनको श्रद्धांजलि भी थी ये शब्द कह के। जो स्वामी गोविंद गिरी जी ने कहा प्रधानमंत्री के बारे में बताया, और ये भी अच्छी बात है कि भाई हमने 3 मित का शयन व्रत कहा, और प्रधानमंत्री ने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार भी करा, ये ऐसे नहीं मैं कैजुअली उद्घाटन करता हुआ इधर से घूमता घामता काम करता हुआ चला जाऊंगा, विदेश जाने को मना करा तो उन्होंने विदेश दौरा नहीं रखा, और 11 दिन से एक तरह का भाव,
एक तरह के थॉट के साथ आप पहुंचेंगे, तो आप जो जजमान का आपका पद है उसका निर्वाह अच्छे से कर पाएंगे। तो उन्होंने किया, तो ये भी अच्छी बात है जो मैं पता लगी। और मोहन भागवत जी ने अच्छी बात कही कि विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा हो, जो हम कहते हैं भारत विश्व गुरु है, जो हमने कई बार देखा भी, चाहे कोई यमन में समस्या होती है, यूक्रेन में समस्या होती है, हम अपने लोगों को नहीं बाकी लोगों को भी छुड़ा के आते हैं। जब कोरोना की समस्या होती है तो हम कई करोड़ वैक्सीन बाहर भी भेज देते हैं जो विदेश के बड़े मुल्क नहीं भेजते। तो वो जो स्थिति, वो जो पोजीशन हम गेन कर रहे हैं, तो सबके भाषणों में अगर जोड़ के देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो जो हमने एक डेढ़ घंटा एक सवा घंटा भाषण सुने वो भी सुनने लायक थे और इतिहास में दर्ज होंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी आए, मतलब चाहे वो क्या कहते हैं वैश्विक जगत से हों, चाहे वो क्रिकेट से हों, स्पोर्ट्स से हों, ओयो के फाउंडर हैं, हमारे अभिनेता हैं, संतगण हैं, बहुत लोग भावुक हुए, तो भी देखने वाली बात है। और इसे देख के जो नहीं आया वो उस पर भी कहानी है कि भाई आप क्यों नहीं आए, भाई आपको तो इन्विटेशन मिला था। और हर व्यक्ति ने यही कहा कि ऐतिहासिक, और ये भी मेरा मानना है कि जितने भी लोग आए उन्होंने ये भी प्रमाणित कर दिया कि जो ये पूरी यात्रा थी राम की, जो कार सेवा थी, उसको भी एक तरह से सबकी सम्मति मिल गई, समाज के हर वर्ग की सम्मति मिल गई कि जिस तरह से मूवमेंट चला वो बिल्कुल सही था। और चाहे उसमें कार सेवा का मूवमेंट था, चाहे उसमें लीगल मूवमेंट था, वो सब सही स्थापित हुआ समाज की नजरों में भी। तो वो भी एक मेरे ख्याल से नोटिस करने वाली बात थी। प्राण प्रतिष्ठा हर घर घर में बनी है, ये दोनों मेरा बालक और मेरी पुत्री है कि वो उसमें हैदराबाद में थे, और उन बच्चों ने अपने आप मन से राम राम लिखा 108 बार, और सब लोगों ने अपने टीवियों की पूजा शुरू कर दी, टीवी सेट्स की पूजा शुरू कर दी। तो ये जो घर घर में हुआ, मेरे ख्याल से ये जो इसका सोशल पॉलिटिकल मैसेज भी है, और कई यूट्यूबर्स ने थोड़ा फनी रूप से डाला कि भाई ऐसे ईवीएम हैक होती है, जो आप कहते हैं ना ईवीएम हैक होती है, जब घर घर में व्यक्ति टीवी की पूजा कर रहा है और कह दिया मोदी मोदी योगी हमको मंदिर दे दियो, मोदी योगी हमको रामलला दे दियो, रामलला को मंदिर दे दियो, तो मन मन में बात घर कर गई। और अगर आपने आप कहते हैं कि पॉलिटिकल क्यों बना, भी आपके पास भी मौका था, आपकी भी सरकारें थी, आप करते ना, आप पॉलिटिकल बनाते, आपके पास दो और मंदिर है, ज्ञानवापी को पॉलिटिकल बनाइए, जाइए लड़िए उसका मुद्दा, आप मथुरा का मुद्दा लीजिए अगर आपको पॉलिटिकल बनाने में डर नहीं है। तो हाँ, घर घर में क्या हुआ, प्राण प्रतिष्ठा, जैसे आपने देखा होगा टाइम स्क्वायर से फोटो आए हमें, कार रैली चली बहुत जगह, तो पूरे विश्व में मना, जहां पे भी सनातनी है पूरे विश्व में मना, और बहुत सारे जो इंडिया के सपोर्टर हैं, जो सनातन के सपोर्टर हैं, जो खुद सनातनी नहीं है, ऐसे लोगों ने भी ट्वीट करके मैसेज देके रिकॉर्ड करके वीडियो भारत को नरेंद्र मोदी को बधाई दी। अब देखिए व्हाट नेक्स्ट, ये मेरा आखिरी पड़ाव है। लोग अलग अलग सुंदर सुंदर रूप बना रहे हैं, ये करण आचार्य है, उन्होंने बड़ा सुंदर विग्रह मतलब एक रूप बनाया है, ये वाला वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, किस तरह से कि राम जी में एक तरह से मूर्त रूप आया है, ये लोगों ने बनाया, मतलब मैं कह रहा हूँ लोग अलग अलग तरह से देख रहे हैं। अब मैं इसको इकोनॉमिक तरह से देखूं, जब मैं होटल से निकला, पंचील होटल से निकला, तो इस तरह का मुझे एक गिफ्ट मिला, मेड इन अयोध्या, तो मेड इन अयोध्या एक ब्रांड बन रही है। अगर मैं इसको मतलब भगवान राम का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जो मिलना शुरू हुआ अयोध्या में वो भी काबिले तारीफ है। जैसे ऐसी जब भी भीड़ की जगह होती है, कोई सम्मेलन होता है, लोग अपने पैम्फलेट बांटते हैं, वहां जो कार्ड भी है पैम्फलेट बांट रहे थे, वो मंदिर निर्माण वाले लोग बहुत सारे पैम्फलेट बांट रहे थे। इस तरह की जो पूजा की सामग्री है, इनकी दुकानें भरी पड़ी थी, लोग त्रिशूल, डमरू, खड़ाऊ, अलग तरह के जय श्री राम खरीद रहे थे, तो वो इकोनॉमी एक बढ़ेगी। जो बड़ी इकोनॉमी है, जो जेफरीज ने अभी रिपोर्ट दी है रिसेंटली कि मक्का में करीब 2 करोड़ लोग हर साल जाते हैं, वेटिकन में करीब 90 लाख लोग जाते हैं, जो एस्टिमेट है अयोध्या सबसे बड़ा पिलग्रमेज, धार्मिक पिलग्रमेज बनेगा, जिसमें करीब 5 करोड़ लोग आएंगे, बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टिमेट से। और ट्रैवल इंडस्ट्री की रिपोर्ट आने लगी है, जो होटल टाउनशिप जो बन रही है वो किस तरह का एक बड़ा बड़ा व्यवस्था बन रही है, केवल अयोध्या नहीं जो पूरा पूर्वी प्रदेश है, और काशी में पहले ही टूरिज्म बढ़ गया था, और क्योंकि काशी यहाँ से 3-4 घंटे है, प्रयाग 3-4 घंटे है, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टॉप जो बुद्धिस्ट मठ है वो पास पास है, तो जो पूरब का इलाका है उसके लिए तो रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत ही सुंदर है। व्हाट नेक्स्ट में मुझे ये गाड़ी दिखी वहां पे, कर्नाटका के बहुत सुंदर सी गाड़ी बना के लाए थे, श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, सबको पता होगा हनुमान जी का जन्म माना जाता है हम्पी, जो अभी मानते हैं बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट पर्वत, हाँ वहां पे कोई विवाद नहीं है, लेकिन हाँ कोई बड़ा बड़ा ऐसा आकार नहीं है। तो पिछली सरकार जो भाजपा की थी वो कह रही थी कि हम बनाएंगे, उन्होंने एक अंजनेया प्रोजेक्ट भी बनाया था, अब तो कांग्रेस की सरकार है, वो नहीं लेगी लेगी इसको पता नहीं, लेकिन ये भी एक मूवमेंट की तरह शुरू हो चुका है, ये बहुत सुंदर बात है। कल ही हमने देखा बहुत सी चीज हुई, मैं तो कह रहा हूँ राम जी आए तो बाकी चीजें भी काम होने लगी, हमने देखा विष्णु जैन जी को सुना सब लोगों ने, जब वो एएसआई की रिपोर्ट समझा रहे थे और एएसआई की रिपोर्ट ने बता दिया, पता सबको था, लेकिन कई बार क्या होता है कि आजकल के जमाने में जब तक प्रमाण ना आ जाए, सो कॉल्ड एविडेंस ना आ जाए, तब तक बात नहीं मानी जाती है। तो एक एविडेंस आ चुका है,
और जो कृष्ण जन्मभूमि का है उसके लिए सर्वे ऑर्डर हो चुका है, सर्वे के लिए लोग उस सर्वे को बचाते बचाते लोग घूम रहे हैं, सर्वे ना हो जाए हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पे स्टे देने से मना कर दिया। ये तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो लिटिगेशन का इतिहास है उसमें इनको सदैव पता रहता है और ये यही करते हैं कि इसको है टाल दो, किसी से टाल दो, क्योंकि सब कुछ छुप नहीं सकता, उनको पता है। आप काशी विश्वनाथ का ले लीजिए तो नंगी आंख से हर एक देख सकता है ना कि वहां क्या है। जो फोटो आ रही है उसमें मतलब आधी जगह दीवारी मंदिर के अंदर अंदर विग्रह देखिए। और अयोध्या में भी ऐसा था, अयोध्या में बिल्कुल ऐसा था। जो पहली डीएम की रिपोर्ट है जब 1949 के बाद कहा कि बंद कर लिया जाए पूरे एरिया को, जो पहली रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि यहाँ पे एक मूर्ति है, वहां पे मूर्ति है, खंबे ऐसे, उसमें लिखा है। उसके बाद भी केस की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमें इतना लंबा केस लड़ना पड़ा। ये मेरे ख्याल से अब ये मेरी आखिरी स्लाइड है और मैं अपनी पुस्तक का भी थोड़ा प्रचार कर रहा हूँ उसके बहाने। लेकिन मेरा कहने का जो लार्जर मतलब है कि देखिए राम का मंदिर बन गया, आप लोग सब जाएं। मैंने सुना है अलग अलग जगहों से प्रणाली भी बन रही है कि हर राज्य से हर क्षेत्र से कैसे कैसे लोग जाएं अयोध्या में, उसकी प्रणाली भी बन रही है अलग। संघ अपनी प्रणाली बना रहा है, बीजेपी अपनी प्रणाली बना रहा है कि सब लोग देख पाए इसको। लेकिन राम से सीखने जैसा भी है, और यही जो मेरी किताब है जो मैंने बताया आपको भी, टीचिंग्स फ्रॉम द रामायण ऑन फैमिली एंड लाइफ, मैंने ऐसी करा है जो 24,000 श्लोक है वाल्मीकि रामायण के, और मैं चाहूंगा आप लिंक भी दे दें अपनी जनता को डिस्क्रिप्शन में व्यूअर्स को, कि जो उनकी 24,000 श्लोक हैं वो उनको मैंने 25 केस स्टडीज में डाल दिया है संजय जी, कि आप, मेरा मानना है कि किस तरह से रामायण ब्रेकफास्ट कॉन्वर्जेशन बन जाए, डिनर कॉन्वर्जेशन बन जाए, किंवदंतियां बन जाए, कहानियां बन जाए बच्चों को समझाने के लिए, युवाओं को समझाने के लिए, जो भी बात है हम रामायण से लेके कहें, राम जी के जीवन से लेके कहें, कि किस तरह से राम जी 14 साल के वनवास के बाद भी आके राजा बने। हम छोटी सी विपत्ति आती है तो विचलित हो जाते हैं। राम जी का तो पूरा राजपाट चला गया, इतना बड़ा राजपाट चला गया, 13 साल पूरे हुए तो उनकी पत्नी का हरण हो गया, युद्ध के दौरान वो मरते मरते बचे, उनके 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 भाई मरते मरते बचे, उनकी सेना के बहुत लोग मरते मरते बचे, और उसके बाद भी व्यक्ति वो ट्रुथफुल रहा, ऑनेस्ट रहा, उन्होंने वनवास धर्म का कभी एक दिन को भी नहीं छोड़ा, युद्ध को भी धर्म से पूरा किया, कोई भी चीटिंग शॉर्टकट कुछ नहीं। उसके बाद भी आज हम राम की बात कर रहे हैं, रामलला वापस आए और उसके लिए इतने लोग उद्वेलित हैं। तो जो राम जी से सीखने जैसा है, मेरे ख्याल से वो भी एक इस दिशा में हमें जाना चाहिए। केवल राम मंदिर जाना बिल्कुल सबको जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां जाके प्रेरणा लेके राम जी का जीवन से भी सीखना चाहिए। और घरों में हमें रामायण महाभारत गीता ये तीन टेक्स्ट तो अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाने शुरू कर ही देने चाहिए, कि जब तक वो कॉलेज में जाए तब तक वो इंटरेस्ट को ऑलमोस्ट स्कॉलर जैसा बन जाए, कि वो अपनी बात को रख पाए, और कोई इस बात के अगेंस्ट में कुछ बोलता है तो उस बात को चिल्ला के नहीं, उसे तर्क से कि क्या है वो रख पाए। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी बात में कह के इसकी शेयरिंग खत्म करता हूँ। तो फिर हम जी ये पुस्तक जो है इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रामायण फॉर फैमिलीज, अवश्य देखें। कुछ तो दर्शकों के प्रश्न है, 2-3 मैं छोटे छोटे पूछ लेता हूँ। ये मेरी अयोध्या की 5 दिन की जर्नी थी, ये मैं आपको बताने में बहुत जी हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी प्रयाग में विवाह में आया, मुझे निकलना है, तो लेकिन मैं प्रश्न लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रयागराज से भी लिंक बन रहा है आप कह रहे हैं, और क्या ये जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इससे जो लिंक बनना था अयोध्या का, उस पर भी काम चल रहा है। हाँ, रिंग रोड बन रही है बाहर, मतलब अगले मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल में, इतनी गति में चल रहा है, 2 साल में 1.5 साल में मतलब और जाना आसान हो जाएगा। अभी भी जाना आसान है, ट्रेनें अच्छी चल गई हैं, ब्रॉड गेज है, हर दिशा से ट्रेनें अटैच कर दी हैं, और पूरी होने वाली है उसकी, हवाई जहाज फुल जा रहे हैं, तो जाना अयोध्या आसान है। लेकिन ये बताया कि ये अयोध्या में मैं देख रहा था विशेषकर जो 22-23 तारीख की जो रात थी जब दर्शन आरंभ हो रहे थे, तो उस दिन जो है कोई 4 लाख लोग जो है वो दर्शन के लिए पहुंच गए। अब जो मैं वहाँ के अयोध्या का, क्योंकि अयोध्या जो है अयोध्या टाउन, अयोध्या धाम जिसका नाम हो गया है, अयोध्या में तो 2011 की जो जनसंख्या है वो 55,000 की बताते हैं, अब वो मान लीजिए 75 हो गई होगी, 1 लाख, तो इतने छोटे से टाउन में ये 4-5 लाख लोग डेली ये कैसे संभालेगा। मुझे बताया गया कि वहाँ टोटल जो होटल रूम्स हैं वो 590 हैं और आवश्यकता लाखों की है, तो ये सब ये कैसे बैठ रहा है अभी तो। हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं मान सकता हूँ कि अभी तो उत्साह उल्लास उमंग है, उत्साह में भी कर क्या रहे हैं, उत्साह से भी कर गए। कुछ लोग तो डेली वाले हैं जो सुबह आएंगे, करीब ऐसे 30-35% लोग हैं जो सुबह सुबह अर्ली आ जाते हैं और शाम तक चले जाते हैं चल के गाड़ियों से बसों से। लेकिन इस समय हर बड़े जो धार्मिक संगठन है उनके बड़े बड़े पंडाल लगे हैं उसमें, रजाई कंबल जैसा कुंभ में होता है संजय जी, वैसे पंडाल भी लगे हैं, बहुत लोगों के लगे हैं जिसमें बहुत सारे लोग रुके हैं। और ये जो आपने कमरे बताए 550 के होटलों के, इसमें धर्मशालाओं के कमरे काउंटेड नहीं,
बड़ी बड़ी धर्मशाला है वहां पर, बड़ी बड़ी, मतलब एक एक धर्मशाला के पास 150 कमरे 200 कमरे हैं, और वो लोग मल्टीपल शेयरिंग में भी देते हैं, मतलब एक एक कमरे में चार चार पांच लोग रुक जाते हैं नीचे गद्दे बिछा के। तो अभी तो उस व्यवस्था से चल रहा है, तो उदासीन आश्रम है उसकी बड़ी धर्मशाला है, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय की उसकी बड़ी धर्मशाला है, और लोग धर्मशाला की जमीनें भी ले ली कर्नाटका के बहुत सारे समाजों ने, तेलुगु समाजों ने। आपको पता है आप जब बनारस जाते हैं तो जितने भी साउथ इंडियन के बड़े बड़े सेक्ट हैं उनकी अपनी अपनी धर्मशाला है, तो वो सब सेटअप हो रहा है। लेकिन अभी सरकार टेंट सिटी ने टेंट सिटी एस्टैब्लिश करके रख दी है, तो उसमें भी लोग जा रहे हैं। तो अलग तरह से अभी व्यवस्था है, जैसे भारतीय शादियों में होता है किसी न किसी तरह से व्यवस्था करनी करनी है, लेकिन जो 1.5 लाख की संख्या थी वो 4-5 लाख में है, सरकार ने और न्यास ने भी उतना आकलन नहीं किया था लोगों की भावनाओं का, और आकलन से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वीआईपीज को कह दिया गया है कि भाई अभी आप मत आइए, वीआईपीज को नहीं संभाल सकते हम। हाँ, वीआईपीज के लिए तो ट्वीट भी करा है कि भाई इस समय कोई वीआईपी नहीं, केवल भगवान श्री राम वीआईपी है और कोई वीआईपी नहीं इस समय, तो किसी को आर्थिक करें अलाउ नहीं किया जी। और जैसे बताया जा रहा है कि अभी एयरपोर्ट जो है वो 1 मिलियन पर ईयर की ही उसकी कैपेसिटी है, तो उसको तो बहुत बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना बढ़ाने का पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है उसके लैंड कंटिगुअस है, उसके लैंड कंटिगुअस है, उसमें रनवेज बढ़ सकते हैं उसी डेढ़ दिन में, मतलब 22 और 23 की सुबह से कम 121 चार्टर प्लस नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स ने उड़ान भरी। आपके अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर वहीं पे उतर के आए, तो वो एक सेलिब्रिटी एयरपोर्ट भी बन गया ऑल ऑफ अ सडन। उसमें इतने सेलिब्रिटीज के फोटो हैं, बड़े संतों के फोटो हैं, कि अयोध्या का जो एक तरह से जो जो सांस्कृतिक उत्थान है वो एक दिन में ऐसे कैटापुल्ट होगा, किसी ने नहीं सोचा था। आइए दर्शकों का कुछ प्रश्न ले लेते हैं, दर्शकों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। चाहत सिंह चौहान कह रहे हैं कि एम्स वर बार्किंग अगेंस्ट रामजी इन देयर पोस्ट्स व्हिच वर नॉट रिमूव्ड बाय एफबी despite of reporting, I registered my protest against FB. FB's biased policies by permanently deleting my FB account. नहीं ठीक कह रहे हैं, FB के और Twitter के अपने रूल हैं, Twitter पहले से काफी ठीक हो गया मैंने देखा, और वो हटा देता है। तो एलन मस्क के आने से तो पूरा वो स्थिति काफी ठीक हुआ है, इंडिया में टीम भी उस तरह की आ गई। मेरे ख्याल से Facebook अगर लोग सुन रहे हो, मेरे भी कुछ लोगों से परिचय, मैं भी बोलूंगा इस बात को कि भाई इस तरह का कॉन्टेंट देखें, राम जन जन की भावना है, ऐसा नहीं कि राम किसी के हैं उसके हैं। मैंने बहुत सारे मुसलमान लोगों को लिखा कि भाई वो इमाम हिंद बोलते हैं उसको, बल्कि जो मुस्लिम प्लेंटिव थे वो भी थे इनवाइटेड, उसको इकबाल अंसारी वो भी इनवाइटेड थे, वो भी एक अच्छी बात है। हाँ, वो अयोध्या में थे, घूम रहे थे उस दिन, देख रहे थे, घूम रहे थे लेकिन वहां नहीं आए प्राण प्रतिष्ठा, नहीं पहुंचे, लेकिन बातें अच्छी कर रहे थे। लेकिन तो आप मेरे ख्याल से उसमें जो भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसमें उसमें जुड़े सब लोग, सबके लिए है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो भी हिंदू मुस्लिम होगा सब वहां पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी करेंगे, उसका मेरे ख्याल से भागीदार सबको बनना चाहिए। जी सज्जन ऑस्ट्रेलिया से है, कह रहे हैं मैंने नहीं देखा लेकिन फिर भी खूब रोया हूं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग टीवी के सामने देख के, क्योंकि हम लोग जो डिबेट करते थे हमने नहीं सोचा था संजय जी कि हम देखेंगे अपनी आंख से, लगता था डिबेट है, किताब बनेगी इस पे, पीएचडी की थीसिस होगी, लेकिन अपने जीवन में इस मंदिर को बनता हुआ देख के राम जी का विग्रह देख पाएंगे मुझे तो नहीं लगता था, लेकिन ये हो पा रहा है जीवन में, और मुझे बड़ा धनी लगता था कि मैं उस दिन अयोध्या में हूँ, देख पा रहा हूँ, तो बड़ी बात लगती थी जीवन की। नेक्स्ट है सर, ज्ञानवापी मंदिर फैसले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई सह अस्तित्व नहीं, मस्जिद के लिए जगह का आवंटन नहीं। देखिए ये जो है ना, एक ये बना रखा है बगैर मतलब का, एक वो चला रखा है नैरेटिव कि साहब साथ में दे दी गई। मैं आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार पुनः बता देता हूँ क्योंकि ये इस समय 5,000 से अधिक लोग देख रहे हैं तो वो सुन लें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या है। आप ये अयोध्या वाला फैसला, जन्म राम जन्मभूमि वाला फैसला, उसमें 5 सूट दायर हुए थे, सूट नंबर 2 विड्रॉ हो गया था 1990 में ही, आगे 4 सूट गए और 4 सूट में से गोपाल सिंह विशारद वाला सूट आगे गया नहीं, सूट गए उसमें उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान, ये 3 सूट जो है ये फर्स्ट अपील में ऊपर गए, उसमें निर्मोही अखाड़ा का सूट डिसमिस हुआ है और रामलला विराजमान रामलला विराजमान का सूट जो है वो पूरा डिक्री हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुन्नी वक्फ बोर्ड वाला पार्शल डिक्री हुआ है टू द एक्सटेंट कि भाई इनको 5 एकड़ जमीन जो है वो दे दी जाए
उसमें क्या है निर्देश, सुन लें सब लोग अच्छी तरह से, जो कहते हैं कि साहब की बड़ा गड़बड़ हो गया, और जो लोग अयोध्या और फैजाबाद नहीं गए उनको बता दें कि वहाँ पे बीसियों मस्जिद पहले से हैं, और खास तौर से जो फैजाबाद की जो जामा मस्जिद टाटचा वाली है, टाटचा वाली, वो तो बहुत बड़ी मस्जिद है और वहां से केवल 5.5 किलोमीटर है और वो पहले से है। अब ये जो है उसमें निर्देश जो आया वो ये आया कि इसका अलॉटमेंट जो है वो 1993 एक्विजिशन ऑफ सर्टेन लैंड्स इन अयोध्या एक्ट 1993 के तहत जो 67.7 एकड़ भूमि अक्वायर की गई है उसमें से 5 एकड़ भूमि दे दें या अयोध्या में किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर दे दें, यह निर्देश है जी। और अयोध्या का मतलब क्या है, अयोध्या नगर परिषद, उस समय जिले का नाम फैजाबाद था। 9 नवंबर 1990 को जिस दिन निर्णय आया है उस समय जिले का नाम फैजाबाद था। योगी सरकार ने क्या किया, पहले जिले का नाम बदला और उसके बाद अयोध्या जिले में धन्नीपुर नाम के स्थान पर वहां से 25 किलोमीटर दूर एक वहां पहले से जो मस्जिद है उस स्थान के आसपास 5 एकड़ जमीन अलॉट कर दी। अब इसमें भी आपको आपत्ति है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माने, रिव्यू हुआ था उसका, रिव्यू भी किया गया था, लोग जो पार्टीज थी उन्होंने रिव्यू किया गया, सरकार पार्टी नहीं थी उसमें, तो इसलिए ये बेकार की बात है। नेक्स्ट, डॉक्टर किशोर कुमार, जय श्री राम, व्हाई यू पीपल आर सो सिंसियर टू एक्सपोज फेक मुस्लिम्स इन द मैटर ऑफ राम जन्मभूमि, जरा उनको भी जीने दो, इतना इन्वेस्ट किया है साल से, चलिए ठीक है इनकी टिप्पणी, कोई किसी को बर्बाद नहीं कर रहा है, आप रिक्लेम कर रहे हैं, नाम पहले भी अयोध्या था, वहां पे मंदिर पहले भी था, यही है भाई, कोई आप किसी को विध्वंस नहीं कर रहे, बस अपनी चीजें रिक्लेम कर रहे हैं। चलिए, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, श्री देवी कांत जी कह रहे हैं, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः, सिया राम की खूब जयपुर डायलॉग, संजय जी उनके परिवार पर हो, सर्वे जना सुखिना भवंतु, थैंक यू, धन्यवाद। ठेकेदार जी कह रहे हैं, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ जैनिज्म अयोध्या, हाँ वो मार्क्सिस्ट का है कनेक्शन उनसे, जैनिज्म से अयोध्या में बुद्धिज्म का ज्यादा है, सीताराम गोयल जी ने रोमिला थापर को चैलेंज करके कहा था कि जरा बता दो तुम इस पे, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने कभी। देखिए बस एक बात कहना चाहूंगा, दर्शक सुनेंगे, जब भी ये ऐसा बात होगी कि चाहे ज्ञानवापी का मामला होगा जहां पे आपको मस्जिद में मंदिर के अवशेष दिखेंगे, उनके पास एक स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है, और खोदो कोई जैन मंदिर दिखेगा, और खोदो कोई बुद्धिस्ट टेंपल दिखेगा, वो भी तोड़ के बने, ऐसा कोई प्रमाण पक्का नहीं उनके पास, लेकिन ऐसा वो बोल के, और वो भी क्लेम जो है ना वो बुद्धिस्ट और जैनिज्म से नहीं होता है, जैनियों से नहीं होता है, वो मार्क्सिस्ट करते हैं, करते मार्क्सिस्ट है, लेकिन उनका नाम उनके कंधे पे बंदूक रख के कि वो जैनियों का, उनका कोई प्रमाण भी नहीं है उनके पास, एक कंफ्यूज करने के लिए और बात को डाइल्यूट करने के लिए वो बोलते हैं इस बात, उन्होंने कभी कहा भी नहीं, हरिशंकर जी जो थे वो हाईकोर्ट में लॉयर थे, इसके लिए हाईकोर्ट में लॉयर थे राम मंदिर के। चाहत सिंह चौहान ये क्या है, थैंक्स फॉर शेयरिंग द जर्नी इन डिटेल्स, ये रविंद्र समल जी हैं। नेक्स्ट, चाहत सिंह चौहान, दे से जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं, शुड हिंदूज रिजॉइस से, जो राम का नहीं वो किसी, हम लोग कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वहां पे एक पॉलिटिकल बड़ी चर्चा ना, सड़क पे एक बात हो रही थी ना, जैसे किसी, जैसे जो जितने भी पत्रकार थे वो कह रहे थे भाई इन्विटेशन नहीं लिया, फिर नहीं आ रहे राहुल गांधी, तो लोग बहुत अच्छा जवाब देते हैं, लोग कह रहे जो 22 जनवरी को अयोध्या में नहीं है वो 24 जनवरी को दिल्ली तो भूली जाए, वो 24 को दिल्ली तो भूली जाए, लोगों ने अच्छे जुमले बना दिए, अगर 22 को अयोध्या में नहीं तो 24 को दिल्ली से गायब, तो हाँ लोग तो अलग अलग अपने तरह से सोचते हैं। नेक्स्ट, चाहत सिंह चौहान जी, क्या आरफा की रुदाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, नहीं वो तो प्योर रुदाली है, प्योर रुदाली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कोर्ट का टाइम मत वेस्ट कर। तो इसी के साथ आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन यहीं पर हम समाप्त कर देते हैं। बुक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो शांतनु गुप्ता जी की नई बुक की पुस्तक है, रामायण फॉर फैमिलीज, वहां से आप ले सकते हैं, और साथ में हमारे जयपुर डायलॉग्स की मर्चेंडाइज उसके भी लिंक्स दिए हुए हैं,
हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप्स के भी लिंक्स दिए हुए। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और शांतनु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।